अक्सर खीर तो हम बहुत सारी बनाते रहते हैं, आज की जो चावल की खीर है कुछ खास है। ये हमने रखे हुए लेफ्ट ओवर राइस से बनाई है, कैसे वो देखते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, कोई मिल्क मेड यूज नहीं किया, कोई मावा यूज नहीं किया, ना ही कोई मिल्क पाउडर, तब भी बहुत ही गाढ़ी और मलाईदार बनी है। सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेते हैं, और जब भी आप कोई कढ़ाई लीजिए, एक छोटी सी ट्रिक है इसमें, पानी थोड़ा सा जरूर डालिए। पानी डालने के बाद हो सके तो कच्चा दूध डालिए, नहीं तो जो पहले से उबला हुआ है वो भी डाल सकते हैं। मैंने 2 लीटर दूध डाल दिया है और इसे उबलने के लिए एक तरफ रख देते हैं। अभी ये गैस फुल रहेगी जब तक कि इसमें उबाला ना आ जाए। जैसे ही दूध में उबाला आ जाए, करीब 2 कप निकाल के अलग से रख देते हैं और बाकी के दूध को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। जो मैंने दूध अलग रखा है उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी केसर। अगर आपके पास केसर न हो तो 1/2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, सेम कलर की बनेगी। अब इस खीर में खास क्या है? खास यही है कि इसके लिए हमें चावल भिगाने ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए चावल हैं। ये खीर बन रही है 2 लीटर दूध से, तो हम इसमें कितने चावल डालें? मेरे पास तो बने हुए, अगर आपके पास बने हुए ना हो तो 1 कटोरी चावल, करीब करीब 100 ग्राम। लेकिन आप भी यकीन मानिए इसी तरीके से खीर बनाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें झंझट ही नहीं है। छोटे चावल चाहिए, बड़े चावल चाहिए, भीगा हुआ है या नहीं है, ये बहुत ही बेस्ट है। अब इसमें एक खास दूसरा काम करने वाली हूँ, जो कि ये खीर को बिल्कुल मलाईदार, ऐसा लगेगा जैसे मिल्क मेड की खीर है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा। मीठा सोडा डालकर ही हम अक्सर मिल्क मेड बनाते हैं, जिससे वो प्लेन प्लेन बने। तो यहाँ पर जब उबल रहा है ये दूध, इसमें 2 पिंच में डाल रही हूँ मीठा सोडा। इससे एक रिस्क और भी नहीं होती, जैसे कभी भी आपका ये दूध की खीर फटेगी नहीं। जब दूध अच्छे से उबल जाए 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद ये पके हुए चावल इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद अब मीडियम फ्लेम कर दीजिए, बीच बीच में कभी कभी चलाते रहिए, थोड़ा ढक के रखिए, क्योंकि बड़ा बर्तन है तो रिस्क है नहीं बाहर निकलने का। फ्लेम को कम करके इसे पकने दीजिए, जब तक कि ये चावल दूध के साथ मिल न जाए। चावल में जो स्टार्च होता है वो उसी के अंदर ही है। अब ये जो फैट साथ में मिलेगा तो ये धीरे धीरे ना दोनों चीजें मिलकर एक गाढ़ी बढ़िया सी बन जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, अभी बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं है। ये जब दोनों मिल जाएं तब तक हमें पकाना होगा। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, चावल बिल्कुल घुट गए हैं दूध के साथ। आपने देखा चावल की अब कंडीशन कैसी है, जैसे पता ही नहीं चल रहा है ये चावल है, क्योंकि उस दूध के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब क्योंकि कच्चे चावल मेरी 1 कटोरी थी, तो उतना ही हमें चीनी तो डालना ही होगा। आप चीनी और ज़्यादा डालें तो 1/4 कटोरी और डाल सकते हैं, वैसे ये परफेक्ट मीठा रहेगा। और चीनी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, कई बच्चे घर में ड्राई फ्रूट खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ऐसे में ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर आप 2-4 चम्मच इसमें डाल दीजिए, वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। जब चीनी अच्छे से पक जाएगी तब हम डालेंगे वही जो 2 कप दूध हमने निकाल के रखा था। अब ये 2 कप दूध इसमें डल जाएगा तो जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी बस उस हिसाब से हमें पकाना है। अगर आपको ठंडी चिल्ड खीर चाहिए, पकने के बाद आप फ्रिज में रखने वाले हो, तो बस एक उबाला आ जाए, गैस बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन अगर गर्मा गर्म खाना चाहते हो या नॉर्मल टेम्परेचर वाली खाना चाहते हो तो 2-3 मिनट और उबाल लीजिए। कुल मिला के 10-12 मिनट में ये खीर बनकर तैयार हो गई है। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है, कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया है। अब ये अच्छे से पक चुकी है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। अब ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है 1 से 1.5 घंटे में। अब हम इसे मिट्टी के बर्तनों में या किसी भी सर्विंग डिश में डालकर रख सकते हैं। मिट्टी में इसका मजा कुछ अलग ही आता है। छोटी छोटी कटोरियों में भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से बड़े बर्तन में भी रख सकते हैं। इसमें पूरी 2 लीटर की खीर आ जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी है ना। अब है जरूरत इसे ज्यादा और पकाने की, क्योंकि बहुत ज्यादा पकाते तो फिर खा नहीं पाते।
अब थोड़े से जो ड्राई फ्रूट मैंने बचा के रखे थे वो मैं गार्निश के लिए ऊपर से डाल रही हूँ। अभी क्योंकि कनागत हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, जब नवरात्रे होते हैं तब भी हमें कन्या भोज खिलाना होता है, तो खीर तो हमें बनानी ही पड़ेगी। ऐसे में अगर हम इस तरीके से एक बार खीर बना के देखेंगे तो हमेशा आप यही तरीका अपनाएंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, कुकर में नहीं बनाना, बहुत ही अमेजिंग खीर बनेगी और मिनटों में बनेगी। और हाँ, इसमें जो मैंने सीक्रेट जरा सा मीठा सोडा डालना सिखाया ना, उसकी वजह से अभी हमने जैसे चीनी से बनाया, इसे आप गुड़ से भी बनाओगे थोड़ा ठंडा करके, तो ये खीर कभी भी फटेगी नहीं। वैसे गुड़ से कैसे चावल की खीर बनाई जाती है उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप बना सकते हैं, पहले मैंने सिखाई थी आपको। खीर बनाने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए।